पाकिस्तानी नागरिक है वो सरहदों पर शांति चाहता है। हमने जितने नागरिकों से बात की सबने यही कहा कि अल्लाह करे हमारे दोनों मुल्कों को जो है अकल आए और ये झगड़े खत्म हो। आम पाकिस्तानी जो है वो सरहद पर झगड़े को खत्म करना चाहता है। मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी बोला और ये भी कहा कि पाकिस्तानियों ने हाफिज सईद को इलेक्शन में उसकी जगह दिखा दी है। मतलब आम पाकिस्तानी दहशतगर्दी नहीं चाहता। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो वहाँ का सिस्टम है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं, खुद जो हमारे साथ हमारी गाड़ी का ड्राइवर था और जो लोग थे वो बताते थे कि यहाँ सारा सिस्टम एजेंसियों के माध्यम से चलता है, ISI के माध्यम से चलता है, फौज के इशारे पर चलता है। तो प्रॉब्लम है जो आम नागरिक है वो डर के मारे अपनी बात को कह नहीं पाता क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा कैप्चर जो है वो आर्मी ने और ISI ने कर रखा है। रात्र मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि हमारी हर मूवमेंट को भी जो है नजर रखी जा रही थी। अगर कोई एक आधा साथी जो जानकर मिलने के लिए भी हमें आया तो तुरंत मैसेज आता था ये गाड़ी आपके पीछे क्या कर रही है, यानी हमारे कैमरा गेट के ऊपर उनकी एक एक सेकंड की नजर थी हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वो जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ISI और फौज के इशारों पर चलता है।